with the man of the evening, Stan the Manly. It's so wonderful to see you. Thank you so much for coming out tonight. What would you like to say to fans coming to see your work here tonight? Now, we are on now. I want to thank them for having spent all these years coming to see my cameos and, of course, watching the movie with it. And now I think they're going to find the funniest cameo of all. I can't wait till they see it. ये उनका आखिरी इंटरव्यू था और इससे पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो चुके थे. उस समय भी उनके सामने लाइफ और डेथ की लड़ाई थी, पर शायद भगवान या गॉड ने, या जो आप कहें, उनको वो दिन देखने का मौका दिया जो शायद हर मार्वल फैन के लिए, हर मार्वल के क्रिएटर के लिए और स्टैनली के लिए भी सबसे बड़ा दिन था, जो था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी का प्रीमियर, यानी कि मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी मूवी का प्रीमियर. स्टैनली वो पर्सन थे जो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरा ये सुपर हीरो मूवी से रिलेटेड चैनल है. मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप YouTube पर इतनी ढेर सारी सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो देख पाते हैं, क्योंकि इन सब की बिगनिंग तो कहीं ना कहीं स्टैनली और उनके पार्टनर्स के ऑसम आइडियाज से हुई थी. उन्होंने अपने सक्सेसफुल करियर में अपने पार्टनर्स के साथ स्पाइडरमैन, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, एक्स मैन, थॉर, डेयर डेविल, एंटमैन जैसे ए लिस्ट मार्वल सुपर हीरोज को क्रिएट किया. अब इन सब में एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सुपर हीरोज तो हैं, पर इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी हैं, यानी कि इनमें कुछ ह्यूमन फ्लॉज हैं. जैसे आयरन मैन शुरुआत में अल्कोहलिक और अपने एम से भटका हुआ था, एंटमैन जो शुरुआत में एक थीफ था, डॉक्टर सेन जो शुरुआत में एक अकड़ू डॉक्टर थे, डेयर डेविल जिसको अपनी सुपर पावर ही अपनी ब्लाइंडनेस से मिली. तो जब इससे रिलेटेड स्टैनली से पूछा गया कि आपके सुपर हीरोज में ह्यूमन फ्लॉज क्यों होते हैं, तब उन्होंने इसका आंसर दिया कि मुझे वो लोग सबसे ज़्यादा पसंद हैं जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते. मेरे को इन लोगों से ही ऐसे सुपर हीरोज को क्रिएट करने का मोटिवेशन मिलता है. स्टैनली एक ऐसे पर्सन थे जिनसे जो भी मिलता था, जो भी उनको देखता था, वो उनका फ़ैन बन जाता था. और मे बी ये इसलिए था क्योंकि वो हर एक पर्सन के लिए ऑनेस्ट थे. एक बार की बात है, जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन का रोल मिलने के बाद स्टैनली से पहली बार मिले थे, उन्होंने उस समय स्टैनली के सामने झुककर उनको रिस्पेक्ट दी थी. स्टैनली के अकॉर्डिंग ये उनके लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उस समय मार्वल के डेज अच्छे नहीं चल रहे थे और मार्वल उस समय उस मुकाम पर नहीं था जिस मुकाम पर स्टैनली और जैक कर्वी जैसे क्रिएटर की मेहनत से होना चाहिए था. फाइनली जब आयरन मैन 1 कम्प्लीट हुई और जब स्टैनली ने आयरन मैन 1 मूवी देख ली, तब उन्होंने कॉमिक कॉन इवेंट में सारी मीडिया के सामने ऑनेस्टली रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए ये कहा कि RDJ आयरन मैन का रोल प्ले करने के लिए ही पैदा हुए थे, वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे मैंने आयरन मैन के कैरेक्टर को क्रिएट करते हुए सोचा था. ये इमेज तभी की है जब उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया था, जिससे हम समझ सकते हैं कि उन्हें पता था कि अपनी ऑनेस्टी से लोगों का दिल कैसे जीतना है. 12 नवंबर 2018 को उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली, जिसके बाद मार्वल हो या DC, फॉक्स हो या डिज्नी, इंडिया हो या अमेरिका, हर कोई उनको उनके ऑसम कैमियोस के लिए, उनके क्रिएट किए हुए सुपर हीरोज के लिए याद कर रहा है. वाकई में वो एक सुपर हीरो थे, वरना कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसकी एंट्री के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसी बड़ी क्रॉसओवर मूवी में, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन की एंट्री के बाद भी वैसे ही तालियां और सीटियां बजें जैसे हर बड़े सुपर हीरोज के लिए बजती हैं.